जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टाइम स्टोरी 24 में। आज हम बात करने वाले दोस्तों जो ई कॉमर्स कंपनी है जैसे कि Amazon, Flipkart, उनको सरकार ने अलाउमेंट दे दिया है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों सरकार ने एक नियम बनाया है कि आप इन जिलों में आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। जैसे कि 103 तरह के नियम निकाले सरकार ने कि तीन रंगों में एक सरकार ने अपने स्टेट को डिवाइड किया। टोटल 733 स्टेट से दोस्तों उसमें तीन रंगों में स्टेट्स को डिवाइड किया और उन जिलों में आप Amazon और Flipkart के जो प्रोडक्ट है वो ले सकते हैं घर में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कौन से जिले में या कौन से प्लेस में आप Amazon और Flipkart और अन्य ई कॉमर्स कंपनी के जो पार्सल है वो आपको मिल सकता है इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ने तीन नियम निकाले, रंग निकाले दोस्तों कि एक रेड जोन, एक ऑरेंज जोन, एक ग्रीन जोन। ये तीनों जोन में पता लगता है कि दोस्तों कि कोरोना के कितने पेशेंट है उस जोन में और कितने नहीं है और कितने में कोरोना के पेशेंट है। तो इसके पहले डिफाइन करते हैं दोस्तों रेड जोन। रेड जोन में क्या है दोस्तों, सरकार पेशेंट ज्यादा ही उस प्लेस में ज्यादा पेशेंट कोरोना से इफेक्टिव है या पेशेंट है उनके उस एरिया को रेड जोन कहा गया है दोस्तों। और अब आता है रेड जोन दोस्तों, जिसमें सिर्फ कोई भी बाहर की एक्टिविटी नहीं होगी दोस्तों, सिर्फ आपको क्वारंटाइन किया जाएगा एक रूम में या हॉस्पिटल में, आप उसमें ही अपना इलाज करा सकते हैं और सेफ रह सकते हैं दोस्तों रेड जोन में। जैसे कि रेड जोन जैसे मेरा एरिया दोस्तों ज्यादा ही पेशेंट होने लगे इस एरिया में, तो इस एरिया को सरकार रेड जोन में अलाउमेंट कर देगी और इस एरिया के बाहर को जा नहीं सकता, अंदर को आ नहीं सकता, आप घर में क्वारंटाइन करके रह सकते हैं जब तक आप ठीक नहीं हो जाए और इस एरिया में ऐसा पता ना चले कि पेशेंट कोरोना के कम हो गए। अब बात आती है दोस्तों ग्रीन जोन। ग्रीन जोन के उनमें कोई पेशेंट नहीं रहता, कोई एक आदमी भी इफेक्टिव नहीं उस एरिया को ग्रीन जोन। आप उस एरिया में बाहर जा सकते हो, आ सकते हो और ई कॉमर्स की कंपनियों को अलाउमेंट दिया है कि आप ग्रीन और ऑरेंज जोन में अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों रेड जोन में किसी को भी अलाउमेंट नहीं है कि आप कोई भी बाहर से प्रोडक्ट मंगा सकते हो और कोई बाहर से प्रोडक्ट नहीं मंगा सकते, अंदर नहीं ला सकते और कोई आदमी जो उस प्लेस में रहता है वो बाहर नहीं जा सकता। लेकिन ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में जो ई कॉमर्स की कंपनियां वो Amazon या Flipkart या अन्य जो है कंपनियां वो अपने प्रोडक्ट सेल कर सकती है। क्योंकि दोस्तों सरकार से अलाउमेंट मिल गया उनको, क्योंकि इतने महीने में उनका भी ई कॉमर्स की जो परचेस या जो इनकम थी वो हो नहीं पा रही थी, इसलिए सरकार ने बोला कि आप अपने ई कॉमर्स कंपनी खोल सकते हैं। कि उनके थ्रू तो सरकार को टैक्स तो मिलेगा दोस्तों, जिसके कारण आपके लिए वो सुविधा अलाउमेंट कर दे, इसलिए धीरे धीरे वो सरकार जो जो जोन में ज्यादा पेशेंट है उन जोन को खोल रही है सरकार और उस जोन में उनको अलाउमेंट दे रही है कि आप लोग जा सकते हैं, ज्यादा भीड़ नहीं बना सकते। सिर्फ आपको क्या करना, सिर्फ आप प्रोडक्ट को ऑनलाइन मंगा सकते, परचेस कर सकते, जैसे Amazon से कोई मोबाइल तेल मंगा सकते, Flipkart से कुछ भी मंगा सकते दोस्तों, सिर्फ ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में सर दोस्तों, रेड जोन में नहीं। अब बात आती दोस्तों ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन में क्या है दोस्तों कि जो पेशेंट इलाज कराने आए बाहर से थे वो कम है, जो उस एरिया में कम पेशेंट है, जिसको ज्यादा मौतें नहीं हुई। जो रेड जोन में क्या दोस्तों, जितनी ज्यादा मौत होती है उस एरिया को रेड जोन डिसाइड कर देता है सरकार। और अब आता है सर दोस्तों ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन में क्या होता है कि कम से कम मौत होना और उस एरिया में जो पीपल्स वो ठीक होके हॉस्पिटल से घर जा रहे उस एरिया को ऑरेंज जोन कहते हैं दोस्तों, कि कम पेशेंट है उसमें। आई होप दोस्तों आपको समझाऊंगा कि Amazon कहाँ का पार्सल पहुंच सकते हैं, कौन से प्लेस में पहुंच सकते हैं, कौन से एरिया में पहुंच सकते हैं। ऐसा और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।